देख सकते हैं बाबू, हमारे पास जो क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या क्या दिया गया है? किसी बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर। और किसी बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करें? बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2πRh। क्या होता है सूत्र? 2πRh। दो मतलब हो गया 2/1, पाई का मतलब हो गया 22/7, आर का मतलब हो गया 7 सेंटीमीटर/1, गुने एच का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर/1। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 22 दुनी 44, 44 दुनी 88 सेंटीमीटर कितना हो गया? स्क्वायर। वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि आज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के खानदान के इतिहास का लिपा पोती सब इसी मैथ में होगा। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हैं त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πRh। ये सूत्र होता है। अगर सूत्र अगर आपको याद नहीं होता होगा तो समझिए कि ये फार्मूला आपसे नहीं बनेगा। 2 का मतलब 2/1 हो गया, गुना हो गया। पाई का मतलब क्या हुआ? 22/7। आर का मतलब क्या हुआ? 7 सेंटीमीटर। यहां से उठा लेंगे। एच का मतलब यहां से उठा लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन ट्रायल के लिए दे रहा हूं, आप बना के हमें दिखाइएगा। यहां पे है 7 सेंटीमीटर और यहां पे है 6 सेंटीमीटर। ओके, इसी आधार पर आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके हमको दिखाइए। हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं। पुनः हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बाबू, देख सकते हैं। क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें हम पलट दिए हैं। पहले वाले में त्रिज्या यहाँ दिया गया था, अब त्रिज्या इसमें ज्ञात करें। वीडियो को पीछे करके आप देख भी सकते हैं। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले में ज्ञात करना था तो इसमें दे दिए हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताएंगे? 2πRh। तो इस सवाल में से हमको चुनना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बताइए? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 है 2/1। पाई है, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान दिया गया है जी, नहीं सर, आर ही तो हमको निकालना है, तो R/1 कर देंगे। गुने एच का मान 2 सेंटीमीटर/1। देखिएगा ध्यान से, 88 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर बराबर आर है तो आर दे दीजिए। अब इधर जितना ऊपर है वो सब नीचे आ जाएगा। ऊपर में 2 है, नीचे में आ गया। ऊपर में 22 है, नीचे में आ गया। ऊपर में 2 है, नीचे में आ गया और सेंटीमीटर भी आ गया। और नीचे में 7 है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब दो से देखिए, 88 कट गया 44 बार। 2 से 44 कट गया, 22 से 44 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया? और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? तो R बराबर हमारा कितना आंसर आ गया? 7 सेंटीमीटर। कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को और इसे आप प्रैक्टिस कीजिए इसी के आधार पर। क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, एक क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए। क्या दिए हैं बाबू? क्वेश्चन बनाने के लिए एक क्वेश्चन दे दिए हैं हम आपको बनाने के लिए। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। देख सकते हैं बाबू, हमारे पास जो क्वेश्चन है हम इसे पुनः बनाएंगे।
किसी बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करें h बराबर व्हाट, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बाबू? 264। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 200 cm स्क्वायर। हम इसको लिख देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRh। देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 264 cm स्क्वायर बराबर 2 का मान 2 बटा 1 गुने पाई का मान कितना होता है? 22 बटा 7 गुने r का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर बाई 1 गुने h हो गया। अब h को आप इधर ही रहने दीजिए और बराबर दे दीजिए, इसको लिख दीजिए 264 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर हो गया, बटा दे दीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर भेज दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे। में क्या है? 7। ऊपर में क्या है? 2 है गुने 22 है गुने 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 22 से 264 क्या हो गया? कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 22 से कम 22 44 22 दोने 44 2 से 12 कट गया 6 बार में। h बराबर और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर h बराबर हमारा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? वीडियोस को बार बार रिव्यू करके भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। देख सकते हैं। ओके।